ओके चलो स्टार्ट करते हैं। साइलेंस प्लीज। स्टार्ट करते हैं। हम रोटेशनल मोशन की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। रोटेशनल मोशन के अंदर हमने फ्रिक्शन का रोलिंग के अंदर जब बॉडी रोल करती है तो फ्रिक्शन को कैसे हैंडल करना है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। और उसके बाद फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये दो आखिरी टॉपिक थे जो हमने डिस्कस किए। रोटेशनल मोशन ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, एनसीईआरटी काफ़ी पहले ख़त्म हो गया था, इवन मेंस और नीट का आज हम इसको क्लोज कर देंगे। और उसके बाद जो थोड़े एडवांस के टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट टाइम, जो परसों कोई इंटरेस्टेड हो, 1:45 मैंने क्लास रखी है, 1:45 से 2:45 और आधे घंटे की ब्रेक है, जिसे केमिस्ट्री जाना केमिस्ट्री चला जाएगा, जिसे फिजिक्स में आना फिजिक्स में आ जाएगा। कभी कभी होगी, रेगुलर हर ऑल्टरनेट नहीं होगी, मेरे को प्लस टू की क्लासेस को भी देखना है। बट क्योंकि रोटेशन के कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं जो मैं क्लास में इसलिए नहीं करवाना चाहता, क्योंकि जैसे स्पेशली जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बहुत जो है हार्ड क्वेश्चंस हैं, तो जिन जिन जो जो मुझे लगता है कि चीज़ें उनके लिए भी हैं तो नो डाउट वो आ सकते हैं, मनाही नहीं है, कोई भी आना चाहें तो ज़रूर आएँ बैठें। और ऐसा नहीं, जो लोग मेडिकल में सीट निकाल के गए हैं वो आते थे, आ जाते थे, लेकिन बहुत जब हार्ड प्रॉब्लम थी तब मैं बोल देता था कि आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि मेडिकल वालों के लिए भी शायद सूट करेगी, तो उसको मैं व्हाट्सएप पे लेक्चर को अपलोड भी किया करूँगा। तो जो लोग स्कूल की वजह से नहीं आ सकते कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना लेक्चर वहाँ पर देख लेंगे और मेरे से पूछ भी लेंगे, स्पेशली मेडिकल के लोग, ये उनके लिए है या नहीं है, ठीक। तो नहीं तो ऐसा करेंगे, जो तो एक्सक्लूसिवली एडवांस है वो तो करेंगे ही नहीं, वो तो जो है उसको अपलोड ही नहीं करेंगे, कन्फ्यूजन होगी। जो मुझे लगता है कि वो सुने जा सकते हैं, हर स्टूडेंट के लिए सही है वो लेक्चर, तो वो मैं अपलोड कर दिया करूँगा। और जो आ सकता है वो 1:45 से 2:45, एक घंटा, उसके बाद फिर अपने नॉर्मल क्लासेस में जाएंगे। और अभी स्टार्ट करते हैं रोलिंग, जो है हमने फ्रिक्शन की शीट नंबर 83 आपकी, इस शीट में आपने टेस्ट भी दिया होगा। इस शीट के अंदर एक आखिरी पेज पे एक न्यूमेरिकल था, वो मैंने छोड़ दिया था, अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, टेस्ट के अंदर भी जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो वो क्वेश्चन भी आपने छोड़ दिया होगा अब तक, क्योंकि मैंने करवाया नहीं था। कितने लोगों ने वैसे इस क्वेश्चन को देखा, जो एंड में ये वाला क्वेश्चन है, शीट नंबर 83 में है ये, ये क्वेश्चन है। कितने लोगों ने वैसे इसको पढ़ते हुए देखा, ठीक। देखो ये, अगर आप ये सोचेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, तो अगर आप मुझसे थंब रूल पूछते हो कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन सर आएगा, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको डिस्कस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है ये क्वेश्चन। इसमें से ब्रेक करके कोई क्वेश्चन आ जाए मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है, तो आपने जो कॉन्सेप्ट देखना है और ये नहीं सोचना कि मैं पेपर में कैसे करूंगा, आपको इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चन ये है कि एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस आर और मास एम है, और ये इनिशियल सिचुएशन इसकी गिवन है कि इसका ओमेगा नॉट कितना है, वी नॉट बाई 2 आर। और यहां से क्या कोई मुझे बता सकता है, पहले डायग्राम को देखते हुए, क्या ये बॉडी प्योर रोलिंग में है, यस कि नो? नहीं है। प्योर रोलिंग में कैसे पता लगता है, वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या फॉलो करती है, फॉर्मूला आर ओमेगा। लेकिन अगर आपको ये जो गिवन है इनिशियली वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी नॉट गिवन है, तो ओमेगा नॉट इज वी नॉट बाई 2 आर, वी नॉट इज इक्वल टू 2 आर इंटू ओमेगा, 2 बाहर आ गया, आर ओमेगा नॉट। तो आप चेक कर सकते हो, अगर वी नॉट आर ओमेगा होता फिर ये रोलिंग थी, प्योर रोलिंग थी, पर यहां पर V0
आर ओमेगा से बड़ा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू रोटेशन, इट मीन्स दिस इज अ केस ऑफ स्लाइडिंग। तो यानी कि स्लाइडिंग हो रही है यहां पे, और स्लाइडिंग हो रही है इस तरीके से, और प्योर रोलिंग का केस नहीं है। यहां तक ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो क्वेश्चन में ये समझ में आता है, इसमें स्लाइडिंग हो रही है, नो डाउट रोटेशन भी हो रहा है, पर प्योर रोलिंग नहीं है। कम से कम स्लाइडिंग हो रही है तो कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले कर रही है? काइनेटिक, घिसटती हुई बॉडी जा रही आगे की तरफ, तो काइनेटिक है। क्वेश्चन में गिवन है, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि हमने ये क्लास में डिस्कस भी किया था, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है वो ना बॉडी को रोल करने में हेल्प कर देती है, और थोड़ी देर में क्या हुआ, बॉडी प्योर रोलिंग में आ गई और बॉडी ने प्योर रोल करना शुरू कर दिया, राइट? थोड़ी पहले नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। और जब मैं बोलता हूं प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई फाइनल सिचुएशन में, तो ओमेगा नॉट से वेलोसिटी ओमेगा एफ हो गई, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी नॉट से वी एफ हो गई। तो वी कैन अप्लाई फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी एफ इज इक्वल टू आर इनटू ओमेगा एफ। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा कैन बी अप्लाइड, लेकिन पहले इट कैन नॉट बी अप्लाइड बिकॉज दिस इज नॉट अ केस ऑफ प्योर रोलिंग। कोई डाउट? ठीक, क्वेश्चन ये है, कितना टाइम लिया इस स्फीयर ने प्योर रोलिंग में आने के लिए, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आने में टाइम बताओ कितना लगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, मेरे को अगर कुछ समझ में नहीं आता, एक चीज तो पक्का समझ में आती है कि इसमें दो कॉन्सेप्ट इकट्ठे चलते हैं, एक ट्रांसलेशन का और एक रोटेशन का। तो एक बार इक्वेशन लगेगी सेंटर ऑफ मास पे ट्रांसलेशन की, और एक बार किसकी लगेगी, रोटेशन की। सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशन की इक्वेशन के लिए फोर्स का कॉन्सेप्ट है, रोटेशन के लिए टॉर्क का कॉन्सेप्ट है, बस लगाएं। तो सेंटर ऑफ मास के लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेशन देखो क्या लगेगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी, v नॉट थी, और फिर कितनी हो गई, v f हो गई। बड़ी कि कम हुई? कम हो रही है, क्योंकि स्लाइडिंग पहले ज्यादा हो रही है, हम चाहते हैं स्लाइडिंग कम हो और रोटेशन ज्यादा हो। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v नॉट से v f हो गई, और ऑब्वियसली इसमें चेंज हो गई, डिक्रीज हो गई, और अगर डिक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की क्या थी, या रिटार्डेशन क्या थी सेंटर ऑफ, कौन कर रहा है इसको डिक्रीज, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इसकी स्पीड को कम कर रही है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, माइनस, इसलिए क्योंकि स्पीड स्लो हो रही है सेंटर ऑफ मास की, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय मास। तो रिटार्डेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है? और क्योंकि आपकी वेलोसिटी v नॉट से v f हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी v f, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट प्लस at, और एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस fim। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? शुरू में काइनेटिक है, लेकिन जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई फिर काइनेटिक नहीं है, फिर स्टैटिक है। इसलिए तो मैंने, आप यहां f के पुट कर सकते हो, लेकिन आप f के साथ ही रखो, क्योंकि थोड़ी देर में कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, स्टैटिक। तो वैल्यू पुट करने की जो होती है फ्रिक्शन की, ऐसे पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। और अगर रोटेशन की बात करते हैं, तो रोटेशन में ओमेगा नॉट से वेलोसिटी कितनी हो गई, ओमेगा एफ हो गई, कम हुई कि बड़ी, वी नॉट क्योंकि कम हो रहा है तो ओमेगा बढ़ता जा रहा है, तो हम रोटेशनल मोशन के लिए वी इज यू प्लस एटी की जगह ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, तो ओमेगा एफ ओमेगा नॉट एल्फा टी। अब एल्फा कैसे आता था, टॉर्क से, तो टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है इसमें, फ्रिक्शन, आर इंटू एफ टॉर्क है, आई अल्फा भी टॉर्क है, इक्वेट कर लिया, आर इंटू एफ, स्फीयर के लिए आई क्या होता है, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, आर से आर कैंसिल, अल्फा आ गया। इस अल्फा को ऊपर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहां से ओमेगा एफ की वैल्यू आ गई, तो यहां से सेंटर ऑफ मास से वी एफ आ गया, यहां से ओमेगा ऑफ एफ आ गया। कोई डाउट इसमें? मतलब एक इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरी इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो फाइनल वी एफ आ गया, फाइनल ओमेगा एफ आ गया। अब क्योंकि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई, प्योर रोलिंग के लिए आफ्टर टाइम टी वी कैन अप्लाई वी एफ इज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा एफ। कोई डाउट इसमें? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी एफ इज इक्वल टू आर इनटू ओमेगा एफ, वी ऑफ एफ इज इक्वल टू व्हाट, हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला वी एफ, ओमेगा ऑफ एफ क्या, सेकेंड इक्वेशन से निकाला ओमेगा एफ। कोई डाउट इसमें?
वी एफ आ गया, ओमेगा एफ आ गया, इन्हें इक्वेट करते हैं, इन्हें ओपन करते हैं, ओपन करके आपके पास आर ओमेगा नॉट एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, ओमेगा नॉट क्वेश्चन में गिवन है कितना, वी नॉट बाई टू आर शुरू में गिवन था, आर से आर क्या हो गया कैंसल, कैंसल करके टाइम की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, टाइम आ गया। पॉइंट समझ में आया, लंबा क्वेश्चन है, ये करने के बाद बंदे को ये लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं आएगा, होगा कि नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डिस्कस नहीं किए जाते क्योंकि पेपर में आएंगे। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें और देखें कि कैसे ट्रांसलेशन एंड रोटेशन को कंबाइन करके फिर से एक बार हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। हालांकि मैं इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट बताने वाला हूं, दो लाइन में क्वेश्चन को खत्म करूंगा अभी नहीं, ठीक है यहां तक। तो एक और क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसी के कॉन्टिन्यूशन में यह भी बताओ कि वी एफ क्या होगा इतने टाइम के बाद, क्योंकि इतने टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई, इतने टाइम पे वी एफ क्या होगा। अब फर्स्ट इक्वेशन से हमने वी एफ की वैल्यू तो निकाली ली थी, उस वी एफ में टाइम को ये पुट कर दें, सॉल्व करके आपके पास वी एफ की वैल्यू आ जाएगी 6/7 × V0। लॉजिक समझ में आया, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का अलग अलग। अब इस क्वेश्चन को करने का सेकेंड तरीका, सेकेंड मेथड, ये बहुत लंबा मेथड, अगर मेरे पास आएगा ये क्वेश्चन तो मैं दो बार सोचूंगा ये मेथड लगाना है कि नहीं लगाना। हालांकि बड़ा नहीं है मेथड, छोटा ही है वो, तो चलो स्टेप ज्यादा नोट किए हुए हैं, पर हाँ 2 मिनट 3 मिनट के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है। तो इस क्वेश्चन को करने की एक और टेक्निक है जो हम डिस्कस करेंगे अभी,